मम्मी, नए पड़ोसी ने कितने अच्छे फूल चुने हैं ना? कमाल की डिजाइन से भाई, दुबई में तो ये एकदम हिट होगा। मरियम जी, बिना किसी ट्रेनिंग के इतनी अच्छी डिजाइन्स बना लेती हैं आप, कमाल है। सॉरी अम्मी। सॉरी किस पे बेटा? अम्मी, आज हम थोड़ा सेल्फिश हो गए थे। कैसे? जब आप बड़े बो के क्लाइंट को अपने डिजाइन दिखाने के लिए रुक गई थी ना, और हम अपनी टेनिस प्रैक्टिस के लिए नहीं जा पाए, तो हमें बड़ा गुस्सा आ रहा था। अच्छा? हाँ अम्मी, पर अब हमें अच्छा लग रहा है। श्रीवास्तव अंकल का कितना बड़ा कारोबार है, उनके पास न जाने कितने डिजाइन आते होंगे, पर वो आपका डिजाइन देख के कितना खुश हो गए थे, कितनी तारीफ कर रही थी वो उनकी। अम्मी, आप सच में बहुत 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 बड़ी डिजाइनर है। आज हमें फख्र महसूस हो रहा है आप पे, ये आपकी अचीवमेंट है अम्मी। चलिए अब सो जाइए, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हैं आप। चलिए। हाँ, पर सोने से पहले एक काम। क्या? आज का ये पल अब्बू के गुल्लक में। अम्मी के डिजाइन्स। चलिए अब गुल्लक रखिए और जल्दी से सो जाइए। और सुनिए, और इसमें अगली पर्ची होगी आपकी अंडर 14 टेनिस जीत की। पक्का? मम्मी, रिंकू कहाँ गई? मम्मी देखिए, इस पर रिंग नहीं है। गिर तो नहीं गई? हम ढूंढते हैं, नचो रहने दीजिए, नहीं मिलेगी। अम्मी लेकिन। बेटा, रिंग गुम नहीं हुई है। तो कहाँ गई ये रिंग अम्मी? हमने गिरवी रख दी है सीताराम ज्वेलर्स के पास। क्या? पर क्यों अम्मी? अम्मी, ये रिंग अब्बू की निशानी थी, उन्होंने कितने प्यार से दी थी आपको ये रिंग। हमें तो पैसों की भी जरूरत नहीं थी। नचो बेटा, जिंदगी में सिर्फ अपनी ही मजबूरी नहीं होती है, कभी कभी हमें औरों के लिए भी कुछ करना होता है। हमने किसी को पैसे देने थे तो हमने रिंग गिरवी रख दी। अच्छा, तो आपने नए पड़ोसी को जूतों के पैसे देने के लिए इस रिंग को गिरवी रख दिया? जो उन्हें पैसों की जरूरत हमसे ज्यादा थी। चलिए सो जाइए। रिंग गुम नहीं हुई है, हमने गिरवी रख दी है सीताराम ज्वेलर्स के पास। जिंदगी में सिर्फ अपनी मजबूरी नहीं होती, कभी कभी औरों के लिए भी कुछ करना पड़ता है। हमने किसी को पैसे देने थे तो हमने रिंग गिरवी रख दी। क्या मियाँ, क्या हो जाता है तुम्हें, कहाँ खो जाते हो? हैं? कुछ नहीं बाबा, क्या हुआ? अरे मियाँ, जो हो गया सो हो गया, अब अपने काम काज पे ध्यान दो, समझे कि नहीं? अब देखो, हम तुम्हें एक जादू दिखाते हैं। बोलो यप्पा यप्पा, गिली गिली यप्पा।
ये देखो ये तुम्हारे लिए। किस लिए? मियां वैसे कहना तो हम ये चाहते हैं कि आइंदा से किसी पियोन के साथ उलझने की कोशिश मत करना, लेकिन वो तो तुम मानोगे नहीं, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये लॉक है। क्या थ्योरी समझाई आपने, हमें नहीं पता। नहीं मियां, इसको अपने बैग में लगा के रखना ताकि आइंदा से कोई तुम्हारे बैग के अंदर शराब या कोई ऐसी चीज ना रख दे जिससे तुम फिर फंस जाओ, समझे कि नहीं? बाबा देखिए, हमको नहीं मालूम कि ये उलझुल बातें आपके दिमाग में कहां से आती हैं, लेकिन हर वक्त हम ताला खोलते बंद करते नहीं रह सकते। इंसान अपने सामान की हिफाजत खुद करे। मंदिर, मस्जिद, पब्लिक प्लेस, सब जगह लिखा होता है कि नहीं? इवन बस तक में चढ़ो ना तो कंडक्टर आके बोल देता है, सवारी अपने सामान दी, जिम्मेदार खुद है। इसमें बुराई क्या है? रखो ये, हटाइए ताला यार, खामखा की बातें मत क्या करिए, हमें नहीं चाहिए भाई। मियां तुम सीधे सीधे से मान रहे हो कि नहीं, वरना बुलाऊं नजमा को। गलत मत समझिएगा, आप ये पैसे रख लीजिए। बोलो क्या है नजमा, कौन है मामू और आप क्यों बुलाएंगे उसको? ऐसे बात करते हैं जैसे हमारी जिंदगी की डोर नजमा के हाथ में है या उनकी अम्मी के हाथ में, वो फैसला करेंगी हमें कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या करना है। हाँ यार, हम तो ऐसे ही कह रहे थे, तुम तो सच में भड़क गए यार। देखिए मामू, एक बात ना मामू समझ लीजिए, नजमा वो स्टूडेंट है जिसको हम टेनिस सिखा रहे हैं, मरियम भी उस स्टूडेंट की माँ है, बस। ये इनको हमारी जिंदगी में घसीटने की कोशिश मत कीजिए आप, और उनसे भी कह दीजिए। उनसे भी कह दीजिए मतलब? मरियम बी ने क्या कर दिया? बहुत कुछ कर दिया, आपको पता है। मरियम बी ने वो क्या क्या मरियम बी ने, बोलो। कुछ नहीं, अल्लाह हाफिज। मियां, भाईजान बस, तीन पराठे खा चुके हैं आप। तीन में क्या होगा, आठ पराठे खाएंगे तभी तो वकार को डकार आएगी। ठूस लेना सब, हाँ? जब नाश्ते में दस खाएगा तो पता नहीं दोपहर में कितना खाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, आप लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? नजो, तुम हर रोज स्कूल से आने के बाद छोटी अम्मी के साथ कहाँ जाती हो? बोलिए ना आप भी, आजकल तो आप स्कूल से आकर हमारे साथ खेलती भी नहीं। वो हमने बड़ी अम्मी को बताया था ना, वो अपनी फ्रेंड के घर जाते हैं, प्रोजेक्ट मिला है ना। झूठ मत बोलो नजो, हमें कल तुम्हारी फ्रेंड मिली थी और उसने तो कहा तुम्हें कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला स्कूल से। सच सच बताइए बात क्या है, हम लोग आपके भाई बहन है ना। बिना सच जानने ही हम रोज अम्मी और अबू से झूठ बोल रहे हैं, आखिर हमें तो सच पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, हम आपको सब सच बता देते हैं। हम इब्राहिम अंकल के गैरेज में जाते हैं रोज। क्या, क्यों? नए पड़ोसी भी उधर आते हैं ना। क्या, क्यों? वो हमें टेनिस सिखा रहे हैं। जो तुम क्या क्या करती रहती हो, तुम्हें अब भी टेनिस सीखना है? और वैसे भी स्कूल में थोड़ी टेनिस कंपटीशन होगा रहा है। वो असल में हम लखनऊ टेनिस क्लब के अंडर 14 में हिस्सा ले रहे हैं। मतलब प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो 7,000 मांग रहे हैं, इसीलिए तुम गैरेज में प्रैक्टिस कर रही हो। मतलब तुमने सीक्रेट जगह भी ढूंढ ली। अम्मी आज ही ऑर्डर देने जाना है। अरे अम्मी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम चलेंगे ना आपके साथ। चलिए चलिए जल्दी कीजिए, ऑटो आ गया आप लोगों का। अच्छा अम्मी एक मिनट, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चलो फिर जल्दी चलो। कोई बात नहीं, ये लो ले जाओ, अच्छे से खाना, हाँ सारे पराठे खत्म कर देना। अरे बच्चा ऑटो आ गया, जल्दी कर, हम छोड़ के आते। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी, अम्मी जी, अम्मी तो हम कह रहे थे कि वो हार तो आपके पास है, वो आपका पुराना वाला, उसी को तुड़वा कर ना आप नया हार बनवा लीजिएगा। अम्मी हम क्या सोच रहे थे, वो जो नईमा के लिए आप अंगूठी बनवा रही है ना, वो आप बिल्कुल मरियम जैसी बनवाइए। हाँ अम्मी बहुत सुंदर अंगूठी है। अरे मरियम, जरा
वो तुम्हारे पास एक अंगूठी है ना जो तौसीफ ने तुम्हें दी थी जी। वो अम्मी और हम ना नईमा के लिए जेवर बनवा रहे हैं, तो हम सोच रहे थे नईमा के लिए बिल्कुल वैसी अंगूठी बनवा लें। तो अम्मी तुम्हारी अंगूठी देखना चाहती थी। जी वो अंगूठी क्या हुआ मरियम? तुम नहीं चाहती तुम्हारी जैसे डिजाइन की अंगूठी नईमा पहने? नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है, वो हम निकाल लेंगे। अच्छा ठीक है अम्मी, फिर आप दोपहर में आ जाइएगा, हम मरियम से ना उसकी अंगूठी लेके रख देंगे। क्या खाला, आपका फोन नहीं उठा रहे शबीर खालू? अब क्या हो गया उन्हें? पता नहीं सबा, सुबह से 4 बार फोन कर चुके हैं हम उन्हें। हाला हो सकता है वो अपने किसी काम से बिजी हो। अरे क्या बिजी होगा, किसी काम का है क्या? खाला समझने की कोशिश कीजिए, अभी तो शादी की तैयारियां शुरू हो गई होंगी, शॉपिंग में लगे होंगे ना वो। अच्छा सुनो सबा, तुम एक काम करो, तुम हमारे घर आ जाओ, फिर हम तुम्हारे फोन से ट्राई करते हैं। नहीं नहीं हम नहीं आ सकते, हमारी प्रैक्टिस है। तुम्हारे भी ना बड़े नखरे हो गए आजकल। अच्छा छोड़ो, खुदा हाफिज। खाला हेलो हेलो, अरे काट दिया। नहीं मां खाला को छोड़ो, हमारी बात सुनो, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ, तुम दोनों को टेंशन में क्यों लग रही हो? एक्चुअली आते वक्त अयान मिला था, पोस्ट कार्ड अकेले बैठा था। एंड ही वाज क्राइंग यार। प्लीज हमें उसके बारे में कुछ नहीं सुनना है, हमें उसके नाम से गुस्सा आता है। हमें लगता है अब तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। ओ रियली? उसे अब तुम्हारी इज्जत की भी कितनी फिक्र है, तभी तो उसने। प्लीज तुम लोग समझती क्यों नहीं हो, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। वो हमें चाहने लगा है और हम दोनों के बीच में बहुत फर्क है, तुम्हें तो समझना चाहिए सलमा। हम सबा बेग हैं और वो अयान शुक्ला, इसका मतलब समझती हो ना तुम दोनों? हाँ बट इज रियली सीरियस अबाउट यू। प्लीज कीर्ति ये फालतू की बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं है बार बार, हम चलते हैं, हम बाद में बात करेंगे। अरे सबा लिसन ना, हम सब जानते हैं सबा हमारे और तुम्हारे बीच में बहुत फर्क है, पर हम क्या करें, दिल का क्या करें? भाई साहब प्लीज आज के लिए हमें अंगूठी दे दीजिए, हम शाम को ही लौटा देंगे। गिरवी चीज तो आपको तभी मिल सकती है जब आप उसके पूरे पैसे चुका दीजिए। समझने की कोशिश कीजिए, कुछ बहुत जरूरी काम आन पड़ा है। असल में हमें उसी डिजाइन की एक और अंगूठी बनानी है, बस डिजाइन दिखाकर आपको वापस कर देंगे। आपको वैसी ही दूसरी अंगूठी बनानी है तो हम बना देंगे। जी वो हमें नहीं किसी और को बनानी है। अरे तो उन्हें यहाँ लाइए, हमारा भी कुछ धंधा हो जाएगा। जी वो तो कहीं और से खरीदेंगे। भाभी जी फिर ऐसे कैसे दे देंगे अंगूठी? भाई साहब आप हम पर तो भरोसा कर सकते हैं ना। देखिए भाभी जी हम आपको जानते हैं, आप सलमान बेग जी की बहू हैं, लेकिन वो क्या है ना, धंधे के अपने कुछ उसूल होते हैं। अंगूठी तो हम आपको तभी दे पाएंगे जब आप ब्याज सहित हमारे पूरे पैसे चुका देंगे। जी अल्लाह हाफिज़। नमस्ते। वालेकुम सलाम साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बस खैरियत है, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है, काम वगैरह ठीक चल रहा है? खुदा हुजूर, सलाम अलैकुम। अल्ताफ साहब वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी मस्त हुआ आपकी। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, इमरान साहब बेगुनाह साबित हो गए। वैसे हम उनसे बात करना चाहते थे, मिलना चाहते थे बजाते खुद, लेकिन आज इत्तेफाक से वो दिखे ही नहीं। जी स्कूल गया था, बस आता ही होगा। अच्छा कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? बस इधर ही जा रहे हैं हम भी। आइए हम भी। मामू लीजिए, इमरान मियां भी आ गए। वालेकुम अस्सलाम इमरान साहब। इनको भी अभी आना था। भाई इमरान साहब बहुत बहुत मुबारक हो, अंजाम कार सच्चाई की जीत हुई। वैसे मियां ये करिश्मा हुआ कैसे?
बस यूं मान लीजिए कि किसी अल्लाह के नेक बंदे ने मदद करी। बहरहाल जिस नेक इंसान ने भी ये काम किया हो अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। अरे छोटी दुल्हन आप? अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ यहाँ बड़ी दुल्हन के साथ आई थी क्या? जी नहीं वो हम यहाँ से गुजर रहे थे तो एक पायल पर नजर पड़ गई, सोचा नज़ुक ले लेंगे। अरे इसमें सोचना क्या, चलिए ले लेते हैं, नज़ुक भी खुश हो जाएगी ना। नहीं आज नहीं फिर कभी। हाँ वैसे ये भी ठीक रहेगा, नज़ुक को लेके आइएगा, अपनी पसंद की लेंगी वो। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। किस्मत के खेल देखिए इमरान साहब, मरियम को जिस उम्र में गहनों में सजना सवरना चाहिए था उस उम्र में कैसी बेरंग जिंदगी हो गई है हमारी मरियम की। छी, कैसे कैसे वियर्ड कपड़े पहनती है लड़कियां, इनके बाल तो देखो। इसे हेयर स्टाइल कहते हैं भाईजान। अरे चश्मा देखो ये लड़की का। मैं क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ कितनी बार बोला हमारी मैकनीज को छूना मत। वैसे आपका डिबेट कंपटीशन है ना? हाँ तो आप प्रैक्टिस क्यों नहीं करती? करते हैं तो प्रैक्टिस, तुमसे मतलब कॉलेज में करते हैं, यहाँ पे तुम लोग इतना शोर मचाते हो। वकार, फिजा, तुम्हारी छोटी अम्मी कहाँ गई? और नजमा भी दिखाई नहीं दे रही, दोनों खाना खाने के बाद गायब है, कहाँ गई हैं दोनों? अम्मी बाहर कहीं गई होंगी। अम्मी ये पर मरियम को हमें अंगूठी तो दे देनी चाहिए थी ना। अंगूठी? कैसी अंगूठी अम्मी? अरे वो नईमा के लिए हमें मरियम जैसी अंगूठी बनवानी थी और उसने ही कहा दोपहर को आके ले लीजिएगा। छोटी अम्मी ने कहा है तो आ जाएंगी टाइम पे। हाँ पर गई कहाँ है वो, आजकल रोज रोज जाती कहाँ है? अम्मी भी आने वाली होंगी। कोई बात नहीं अम्मी, नानी जान थोड़ा इंतजार कर लेंगी। क्या है आजकल तुम दोनों का, कुछ ज्यादा ही सपोर्ट करने लगे उन दोनों को। अंगूठी घर पर ही होगी और छोटी अम्मी जानती है कि नानी आने वाली है तो वो आ जाएंगी टाइम पे घर पे। या अल्लाह क्या करें हम, इस बार तो बड़ी मुसीबत में फंस गए हम। नसीमा भाभी को क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे उनसे, क्यों गिरवी रखी अंगूठी? अल्लाह तू ही कुछ कर, इस अंगूठी की वजह से घर में हंगामा ना हो जाए। कैसे मार रहे, अच्छे से खेली ना आप। हमें थोड़ी टेनिस प्लेयर बनना है, ये तो इमरान अभी तक आया नहीं है तो हम टाइम पास कर रहे हैं तुम्हारे साथ। क्या कर रहे हैं आप नए पड़ोसी के मामू जान? नज़ू जरा सुनो, इधर आओ एक मिनट। ये हमारी बात जरा गौर से सुनना और ज्यादा जोर से बोलना मत। तुम्हारी अम्मी बहुत परेशान लग रही हैं आज, क्या बात है? ताने, जब से हम स्कूल से आए तब से कुछ नहीं बोल रहे, हम बहुत परेशान लग रही हैं। पूछा नहीं तुमने क्या बात? पूछा हमने पर अम्मी ने कुछ नहीं कहा। देखो ना तुम्हारी अम्मी की शक्ल से लग रहा है कि बहुत बड़ी मुश्किल में है, जाकर पता तो करो, क्या पता हम कुछ कर सके। क्या हुआ अम्मी, आप परेशान क्यों लग रही हैं, बताइए ना। कुछ नहीं बेटा, आप जाइए प्रैक्टिस कीजिए, जाइए। अम्मी बताइए आपको हमारी कसम। बच्चों हमने कहा है ना कभी कसम नहीं खाते। अच्छा ठीक है कसम नहीं खाएंगे, प्लीज बताइए ना अम्मी। कुछ नहीं हुआ बेटा। अम्मी प्लीज हमारे लिए प्लीज अम्मी बताइए ना क्या हुआ। बड़ी अम्मी को हमारी अंगूठी चाहिए नईमा के लिए, बिल्कुल वैसी बनवाने के लिए। या अल्लाह
पर अम्मी आपने नए पड़ोसी को जूतों के पैसे देने के लिए उस रिंग को फिर भी रख दिया। सही कह रहा था इमरान, वो पैसे जूतों के लिए नहीं थे, दरअसल आप हमारी मदद करना चाहती थी। पर ये क्या किया आपने? हमारी मदद करने के लिए आपने अपनी अंगूठी क्यों गिरवी रख दी? अल्ताफ साहब, आप प्लीज इमरान साहब को ये बात मत बताइएगा, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मोहतरमा, बुरा तो हमें भी लग रहा है, आखिर क्यों किया आपने, क्या जरूरत थी इसकी? अब ये सोचकर भी हम शर्मिंदा हो रहे हैं। आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचना छोड़िए, हमारी अम्मी के प्रॉब्लम के बारे में सोचिए। बढ़िया मैं पूछेंगे तो क्या कहेंगी अम्मी? अल्लाह, ये तो बहुत मुसीबत हो गई, हमारे पास भी इतने पैसे नहीं है कि हम आपकी अंगूठी छुड़वा सके। क्या करें, हमारी कुछ समझ में आ भी नहीं रहा है। क्या करें अम्मी? क्या हुआ? जी जी कुछ नहीं। अब नजमा आप जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आज हमें जल्दी जाना है। जी अम्मी। नजमा। हम्म, आप बताइए क्या बात है? कुछ नहीं, मैं पड़ोसी। ये तो बड़े कमाल की बात है कि हम लेट आए हैं और आप डिसिप्लिन पे लेक्चर भी नहीं देंगी हमें। हमने कहा ना हमें घर जल्दी जाना और हम यहाँ टेनिस सीखने आते हैं, किसी को लेक्चर देने नहीं। जी हम जरा पानी लेके आते हैं, हमें बात करनी है आपसे। जी देखिए वर्ष, ये आपकी है ना? ये आपके पास कहां से आए? इतना हम समझ नहीं।